नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। सहारनपुर देवबंद पूर्व विधायक शशिबाला पुंडीर ने हाथरस की घटना को लेकर दुख जाहिर किया। पुलिस लाइन में जनप्रतिनिधि की समस्या को लेकर आई थी, किसी बात को लेकर हाथरस वाले कांड को दुख भरी घटना कही। हाथरस हत्याकांड के बारे में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। वे कहा कि ये कार्य बहुत ही निंदनीय है। परमिंदर सिंह की खास रिपोर्ट। न्यूज देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। मैडम, हाथरस के बारे में क्या कहना चाहिए? लोग भाग भाग कर हाथरस जा रहे हैं। यही सेम घटनाएं हो रही हैं, बुलंदशहर, आगरा, कानपुर और बहुत जगह हो रही है। वहाँ कोई नहीं जा रहा। मैं तो जानना चाहती हूँ आखिर वहाँ क्यों नहीं जा रहा कोई भी। वहाँ लड़की नहीं थी क्या? अपने जिले में पिछले साल 28 अक्टूबर को 19 में एक 5 साल की बच्ची के साथ देवबंद थाना क्षेत्र में बलात्कार हुआ था। उस बारे में जिले के एक भी व्यक्ति ने जवान नहीं खोली थी। आखिर अपने जिले में चार कदम पे नहीं जा सकते हैं? हाथरस भाग भाग के जा रहे हैं। हाथरस की बेटी से मुझे पूरी हमदर्दी है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। और जिस तरह से ये कहा गया था कि उनकी जवान काट दी गई है, मैं बहुत दुखी थी। लेकिन जब मैंने उनको बयान देते हुए देखा है, लाइव देखा है, तब मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि ये कहा गया था कि जीप इसलिए काटी कि बोल ना सके। बयान देते हुए मुख्यमंत्री जी ने नार्को सीबीआई जांच की बात कही है, मुझे अच्छा लगा। जब नार्को टेस्ट हो जाएगा, नार्को टेस्ट सबके सामने हो जाना चाहिए, सबके सामने हो जाएगा, सच्चाई सामने हो जाएगी, तब मैं बोलूँगी और विपक्षी दलों के बारे में भी बोलूँगी। हालांकि मैं विपक्ष में हूँ।